काफी दिनों के बाद हम सब मिलकर पी रहे हैं। क्या होगा दीदी, एक परफ्यूम बोल रहा है, एक चश्मा बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो? तो गुड मॉर्निंग सब, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और फिलहाल देखो सभी के सभी बाहर बैठे हुए, इधर देखो ये नानिया को तो आज रोक लिया, मतलब जाने नहीं दिया नानिया को मम्मी ने। कमल भी बैठा हुआ है, बिट्टू नजर नहीं आ रहा, बिट्टू कहाँ? बिट्टू कहाँ? बिट्टू देख रहा है टीवी। तन्नू ना मेरी नकल कर रही है। बना क्या रहे? कहीं नहीं बनाया, वो रात की माचा रात की बासी सब्जी है तो कुंदन जा रहा करके बना दी। किसको खाना है? रोटियां बन गई है और रात की जो बासी सब्जी बची है ना वो खाना है उससे। बच्चों की गाड़ियां खेल रहा है ये कमल, ठीक कर दी उसको। तो कैसे नाच रहा है पागल बन के? दोहरे उड़ रहे तन्नू को। ये इधर दीदी खा रही है, इधर बिट्टू तन्नू खा रहे हैं। ये तन्नू को भी नहीं खिलाया? तीन के लिए लाया था ही, खा लिया तीन उनके लिए। मेरे पे भी दया कर लेते। कोई नहीं, नाने अलग कमल ने कोई इसके लिए तेरे लिए भी नहीं खाया। वाह यार, टुकड़ा तो दे दो, बुला ले टुकड़ा, एक टुकड़ा दे दो चखने के लिए। तो दो किस्मत में लिखा हुआ ना तो मिल ही जाता है खाने के लिए। खा लिया इतनी जल्दी? खा गई, चलो मैं भी खा लेता हूँ। हम सब दीदी कैसे का खा गए क्या? ज्यादा मैंने दीदी कैसे का खाया? अरे वाह यार, गाड़ी में सीट डलवा ली नहीं? कहा कितने की डल रहा है? डेढ़ सौ रुपया देगा 150। अरे ये क्यों लगा लिए? ले जाओ ना लेने। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छी गाड़ी दिख रही, नई विरांग दिख रही है। पार्टी गई थी तो वर्किंग जाता तो देखा गाड़ी में जाते साफ सफाई तो करते। मम्मी मेरे लिए बोल रही साफ सफाई तो करता ही नहीं, गाड़ी को अच्छे से रखता ही नहीं, कमल ही रखता है अच्छे से। देखो मुझे सिर्फ चलानी आती, बाकी का काम कमल ही करवाता है। कमल ना बच्चों के साथ बच्चों जैसी हरकतें करता है, वैसा वैसा खेलने लग गया। देखो इधर देखो, ये देखो ये कैसे खेल रही है। तन्नू को ये गोदरी के ऊपर बिठा लिया है और गाड़ी खेल रहा है। तन्नू कैसा लग रहा बेटा? अच्छा लग रहा है। मन में भी ये ज्यादातर ऐसा ही खेलता था, ये बिट्टू की नजर नहीं पड़ी है वरना बिट्टू भी आ जाएगा। देखो ये तन्नू अब कमल को खींचने वाली है, अब इससे क्या खिंचा रहा है? इधर बिट्टू भी खा रहा है मिक्सचर, दीदी भी खा रही। नहीं खानी है? खाते हैं। भी मैं निकाल के ले आऊं, खाना है कि नहीं? नहीं खाना है, बहुत देर से सोया हुआ था कमल, अभी उठाया। देखो ये बिस्तर लगा रखे। तो गाइस अभी हो गया है दोपहर का टाइम, अभी कमल और नाना गए हैं मार्केट। आज ना सबका मन ना वो ठंडा वंडा आता है ना वो पीने का हो रहा है। नहीं मैं नहीं खाता, आप खाओ। मैं आप ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। आप खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगा। फिर दीदी क्या कर रहे? खिचड़ी बना। आप ही दोपहर में खिचड़ी बना रहे? इधर दीदी खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही है। अभी झाड़ू लगा क्या कर दिया है? अभी तन्नू झाड़ू लगा रही है। समझ मम्मी कहाँ चले जाते? मुझे बता। गई थी देखना तो कम देर हुई, थोड़ी देर से जाऊंगा। कमल वहाँ गया? कमल बनाने मार्केट, वो ठंडा लेने के लिए। मोबाइल ऐसे तो करना चाहिए रिकॉर्ड, ज्यादा अच्छा लगता है। सीख जा तभी समझ में आएगा। तो ये लेके आ गए है अब काले। अरे रुको रुको, चलो चलो पिएंगे, चलो चलो। ग्लास ग्लास लेके आ गया है। तीन और टोटल कितने जाने पता है? सात है। तो ग्लास भी तो सात होने चाहिए ना, ये तो चार ही ग्लास है। ये दीदी बोल रही है कि मैं तो ठंडा वंडा नहीं पीऊंगी, मुझे सिर्फ खिचड़ी खानी बना के। दीदी ने पिएगी ना? नहीं पीऊंगी। पीऊंगी पियोगी? तो मम्मी बोल रहे कि यार तुम बच्चे पी लो, मैं नहीं पीती। नहीं पीते मम्मी? चलो तो आ जाओ पीने के लिए, उधर कहाँ जा रहे हो? फटाफट आ जाओ ना, वरना देखो खत्म हो जाएगी तो बोलना मत। मैं मेरे हिस्से की क्यों दूं? अपने अपने हिस्से की सब पियो, मैं नहीं। अभी ये बांट रहे, मेरा एक गिलास। मम्मी दीदी को सबसे ज्यादा दिया, देखो बड़े वाला गिलास में दीदी को मिला है। आप लोग भी पी लो गाइस, ये दीदी ने नाम बता दिया क्या क्या है ये।
इसको भी कितना ज्यादा मिला यार, मेरे को तो कम ही दिया था। वो कमल के बोतल से पीने लग गया। आज काफी दिनों के बाद हम सब मिलकर पी रहे हैं ठंडा 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 कूल कूल। हमारे पास फ्रिज नहीं है वरना और भी अच्छे अच्छे चीजें रखते हैं। अभी ये पी के एंजॉय करते हैं। अच्छा लग रहा है, कौन और ये टाइम पास कर रहा है? दो ग्लास में डाल। मम्मी कैसा है? बढ़िया है। इधर और कमल देखो। ओ दीदी का एक ग्लास भरा हुआ है और फिर भी मांग रही है, और ये बाटल से ही पी रहा है पूरा। नहीं मुझे तो दिया नहीं। ये क्या बोल रहा है? झूठा कर देता हूँ, कोई नहीं मांगेगा। ये और कमल को बहुत ज्यादा शौक है ये पीने का। एक गिलास तो ज्यादा ही है तेरे पास। 100% श्योर हूँ मैं, एक गिलास से ज्यादा है तेरे पास। दो गिलास है और एक गिलास तो पी भी गया है तू। अरे तीन बज चुकी है और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जितने भी दरवाजे हैं ना, जिसके चौखट वगैरह है ना, इसमें ना जब प्लास्टर वगैरह करा था तो सब सीमेंट वगैरह सब लगा हुआ है। देखो ये इस तरह से सब सीमेंट वगैरह लगा हुआ है। पूरे चौखट और की साफ सफाई करेंगे, फिर उसको कलर भी करेंगे। किस तरह से सीमेंट वगैरह लगी हुई है ये देखो, ये पूरी चौखट खराब है। देखो ये पूरा सीमेंट ही सीमेंट लगा हुआ है, तो सभी को अभी हम लोग साफ करेंगे। तो इसी तरह से पूरा निकालना पड़ेगा। जितनी भी सीमेंट वगैरह लगी है अच्छे से साफ करना पड़ेगा। बड़ा बड़ा हम लोग सारे चौखटों को पहले तो साफ कर लेते हैं। कि आ गए सामान, क्या क्या है इसमें? इसमें ब्रश, रेजमा और पेंट। एक लीटर वाला कितने का है ये? 200। जो कलर मैंने बोला था वही है। कहाँ है कलर? ऐसा दिख तो नहीं रहा है कलर। दिखे तो नहीं रहा, लेकिन बोले कुछ है लकड़ी पे पेंट करा है कि नहीं? पॉलिश जो या पॉलिश है। कलर बोलना है, लकड़ी वाला कलर है कि कौन सा है कलर? आओ देखा अच्छे और साफ सफाई करते। देखो कितने, देखो कचरा निकला यहाँ और कितना सारा कचरा ही है। लगभग 1:15 बज गई है और आप जाकर हमारा जो क्या बोलते हैं चौखट वगैरह था ना, उसको साफ करने का काम खत्म हुआ। खिड़की वगैरह बची हुई है जिसको अभी कमल कर ही रहा है। देखो सब, बाकी हालत पूरी खराब हो गई क्योंकि बहुत ही बारीकी का काम है ना, इस वजह से बहुत टाइम लग गया। ये कपड़े कैसे खराब हो गए, पहले कितनी सीमेंट वगैरह लगी हुई थी ना, अभी किस तरह से साफ कर दे। देखो और तेरे नाना भी लास्ट खिड़की बची ना, बस एक खिड़की बची है, बस लगभग हो ही गया है। आज ही करने का सोच रहे हैं हम लोग कलर वलर भी। कलर करने से पहले प्राइमर करना पड़ेगा, ये प्रीमर प्राइमर जो भी होता है ना वो करना पड़ेगा, उसके बाद में ये वाला कलर करेंगे। कचरा निकला ना यहाँ, ये चौखड़ वगैरह को साफ करते करते जो भी कचरा निकला ना उसकी साफ सफाई हो रही है। इधर कमल झाड़ू लगा रहा है, तो देखो ये इधर नया कपड़े से साफ कर रहा है। पूरा कचरा ही कचरा हो गया था ना, जब लोहे के गेट को कलर कर रहा था ना तब भी प्रीमर प्राइमर जो होता है ना वो भी लगा था, उसके बाद में ये ब्लैक और व्हाइट वाला कलर लगाया था। चौखट वगैरह ना उसमें प्रीमर प्राइमर जो भी होता है ना वो पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद में कलर होगा। तो और एक पार्सल भी आया हुआ है। वैसे तो मैंने आप लोगों को मना करा हुआ कि प्लीज यार कोई भी गिफ्ट आप मत भेजना, बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। फिर भी हो सकता है ये पहले से भेजा हुआ होगा, क्योंकि खरगोन में कर्फ्यू हो गया था ना, उसकी वजह से काफी सारे पार्सल रुक गए थे। मैंने भी जब कमल के लिए जो ऑर्डर करा था गिफ्ट, आप में से देख लिया होगा, कमल के लिए जो गिफ्ट आया था ना वो, तो वो भी बहुत ज्यादा लेट आए थे हमारे यहाँ कर्फ्यू की वजह से। हो सकता है आप में से पहले किसी ने भेज दिए हो, तो आपसे यार याद रखना यार कोई भी गिफ्ट वगैरह मत भेजना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उससे ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस आप अपना प्यार दो, हमारे लिए वही काफी है, ठीक है। सो थोड़ी देर से एक पार्सल आया हुआ, उसकी अनबॉक्सिंग भी कर दूंगा, बट अभी जो काम कर रहे हैं ना वो कर लेते हैं। तो ब्रश भी लाए हुए, वो दाढ़ी बना रहा है, एक ने एक इसको रगड़ रहा है। तो गाइस कुछ ये इस तरह का निकला है,
इसमें कुछ मिलाना भी पड़ता है यार, कुंदन को पूछ फोन लगा के। अरे पूछना, नहीं मिलाना पड़ता है। नहीं कह दियो, कब पूछा, कब पूछा, कुंदन से पूछा, दुकान वाला पास। दुकान वाला थोड़ी मालूम चाहिए, लगाने लग मालूम रहा। और अब ये दो बरस लेके तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि इनको आई जाता लगाते। ये कमल ने लगाना शुरू कर दिया है और ये कुछ इस तरह से लगा हुआ दिख रहा है। देखो ये ऐसा लग रहा है कि पानी लगाया हुआ, गीला गीला हो गया ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर कलर लगेगा, पहले तो अभी ऐसे ही लगेगा। ये जैसा आ रहा वैसा लगा रहा है, सही तो सही, गलत तो गलत, अब क्या करे। अरे इधर ये नान्या लगा रहा है, इधर ये कमल लगा रहा है। इसमें ना कुछ मिलाना भी पड़ता है, वो भी नहीं मिला रहा, ऐसे ही लगा रहे। तन्नू को लग गई है जल्दी भूख, और देखो कैसे खा रहा है। ये प्याज वगैरह भी ले ली है। बेटा सीधे बैठ के खाओ, ऐसे क्या खाते हो, अच्छे से बैठो, सीधे बैठो। ये तो बिट्टू भैया जैसे बैठो, हाँ ऐसे बैठ के खाया करना है ना, समझ गए ना। तुअर की दाल बना रखी ना मम्मी, तुअर की दाल मेरे लिए नहीं रोटी बनाई, बाकी सबके लिए बना ली। अरे नहीं बनाई, खाना खाने बैठेंगे सब जन, तो मुझे भूख लग गई है। और चीटिया चीटिया आगे देखो, ये चीटिया चीटिया हो गई है। मम्मी यहाँ पर आटा डालेगी तो चीटिया गायब हो जाएगी। हम लोग मार्केट आए हुए नानिया और मैं, क्योंकि हम जैसे वो दरवाजों को कलर वगैरह फिर प्राइमर वगैरह लगा रहे ना, उसके लिए कोई एक वाटर आता है, उसको टार पेंट या कुछ बोलते हैं, शायद टार पेंट वगैरह ही बोलते होंगे। तो ये ना वो लेके ही नहीं गए थे, तो अभी ये ले रहे तार पेंट, क्या बोलते उसको, तार पेंट। तो ये ले लिया है, कितने के, ये छोटी सी बोतल ट्राई पेंट फ्राई पेंट जो भी है वो लेके आ गए। देखो ये छोटी सी बच्ची डेली है। रोना मत है ना, गिराना मत है ना। आपके दोस्त है, जा बेटा दुकान पे जाना है ना, अब जाओ घर, जा बेनू को ले जा बेटा घर। अब मुझे लग गई है बहुत तेज भूख भी, सोच रहा हूँ पहले नहा लेता हूँ उसके बाद में खाऊंगा। A few moments later. अभी हो रही है इस पार्सल की अनबॉक्सिंग जो आया हुआ था। वैसे तो मैंने अब मना कर दिया है सबको कि कोई पार्सल वगैरह मत भेजना। ये कमल क्या बड़ा चश्मा है, चश्मा इतनी बड़ी आती है। मम्मी खाना खा रहे, देखो हो रही है अनबॉक्सिंग। और प्लीज गाइस आप कोई भी गिफ्ट वगैरह मत भेजना यार, बहुत प्रॉब्लम होती है। आप हमको सपोर्ट कर रहे हो ना, उतना ही बहुत है। क्या होगा दीदी, फिर भी एक परफ्यूम बोल रहा है, एक चश्मा बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो तब। पेन, और दीदी पेन बोल रही है, जो लिखने वाली पेन होती है ना वो बोल रही है। इसमें वो लाइट है, बल्ब है, बल्ब वगैरह उसके अंदर। आप मैं बता देता हूँ, देखो ये इसके अंदर बल्ब आ रखे, कितने, दो है ना, पर इसको लगा के देखेंगे तो पता चलेगा कैसा है। ये देखो कितना तेज उजाला कर रहा है, एक ये बल्ब आया हुआ है, देखो कितना तेज उजाला है इसका। तो दो बल्ब आया है, थैंक यू बोल दो हमें सब। तो सब थैंक यू बोल रहे हैं।